देखिए सिने प्ले जैसे फिल्म है उसी तरह का एक फॉर्म है, इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ एक कपल स्टोरी जैसे आज जो हम दिखा रहे हैं बिटवीन द लाइंस, वो एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। दूसरा एक है जॉब्स है, वो एक इंटरव्यू की कहानी है एक ऑफिस में। तो अलग अलग स्टोरीज अलग अलग चीज़ों के बारे में है और बहुत दिलचस्प है। कुछ कॉमेडी है, कुछ ड्रामा है, कुछ में सस्पेंस है। तो आप cineplay.com में जाके देखिए आपको कौन सा पसंद है। कई बार थिएटर करने वाले लोग भी सोचते हैं कि अच्छा अगर हम सिने प्ले कर लेंगे तो शायद हमारे थिएटर में कोई नहीं आएगा, पर एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इस थिएटर को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बल्कि एक हफ्ते पहले ही बैंगलोर में किसी ने हमारा सिने प्ले देखा एक प्ले का, और उन्होंने फ़ोन करके हमें कहा कि हमें अब लाइव शो चाहिए उसी प्ले का। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जैसे क्रिकेट मैच होता है, पहले तो सिर्फ स्टेडियम में होता था और लोग सोचते थे टीवी पे कैसे जाके देख सकते हैं, और अब पूरी दुनिया टीवी पे देखती है। तो लाइव शो का अपना मज़ा है और टीवी पे देखने का अपना मज़ा है। सिने प्ले मुझे ऐसा लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये काफ़ी अरसे से लोग ऐसा करते थे कि नाटकों को शूट करके टेलीविज़न पे दिखाते थे। आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है अब कि हम दोबारा से उसे रिवाइव करें, और नाटक के ज़रिए बहुत सारी बड़ी बातें कह दी जाती हैं और बहुत दिल को छू लेती हैं। कई दफ़ा फिल्म वो बातें नहीं कर पाती जो थिएटर प्ले कर देता है, और हिंदुस्तान में हमेशा थिएटर की ऑडियंस स्ट्रांग रही है। सो आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है ये और इस मूवमेंट को स्ट्रांग करने का। मेरे पिताजी प्रताप शर्मा एक लेखक और प्लेराइट थे, 3 साल पहले बहुत सैडली गुजर गए। बट मैं तो बचपन से प्लेज और थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थी क्योंकि मेरे पिताजी तो एक प्लेराइट थे। तो आई थिंक ये तो एक बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि प्लेज एक बहुत बहुत स्पेशल मीडियम है, और वैसे तो एक ऑडिटोरियम लाइक हॉल में सिर्फ इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, बट वो प्ले वो पूरा देश में अगर देख सकते हैं या पूरा वर्ल्ड में, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शो वंडरफुल प्लेस टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वैसे तो स्टोरीज और सब तो इवॉल्व होते रहेंगे और वो तो चेंज होते रहेंगे, बट गुड सिनेमा एंड गुड स्टोरीज एंड गुड टीवी शोज आई थिंक आर टाइमलेस एंड दे विल ऑलवेज बी देयर। सो इट डजंट मैटर कभी और किस एज या किस प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया, गुड कॉन्टेंट विल ऑलवेज विन। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया, और मैंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इससे पहले देखा नहीं है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। सो आई हैव बीन कॉल्ड हियर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन। ऑडियंस के लिए ऐसे फ़ायदा होगा कि प्ले का हमेशा एक सीमित ऑडियंस होती है, एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, जिसका एक अपना एक अलग मज़ा है। लेकिन इफ़ यू मिक्स द टू मीडियम्स देन इट कैन रीच टू अ लॉन्गर थिंग।